हैप्पी दिवाली एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए दिवाली के लिए कोई रेसिपी नहीं बट एक DIY वाटर कैंडल्स। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से मैं ये वाटर कैंडल्स बनाऊंगी और बिल्कुल लास्ट मोमेंट में जब आपके पास मार्केट जाने के लिए टाइम नहीं है तब जो भी घर में चीजें पड़ी होती हैं उससे हम ये सुंदर सी वाटर कैंडल्स बनाएंगे जिसको आप जब अपने घर में सजाएंगे थोड़ी डिम लाइट करेंगे तो बहुत ही अच्छी सी फेस्टिव सी फीलिंग आएगी। मुझे बनाने में बहुत मजा आया क्योंकि जो घर पे चीजें थी मैंने वो ही यूज करी है, मैं मार्केट नहीं जा पाई थी। तो ये बहुत ही सुंदर सी और क्यूट सी कैंडल्स हम बनाएंगे बहुत ही ईजी और सिंपल मेथड से। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और जब भी बनाएं तो उसकी पिक्चर जरूर मुझे भेजिएगा मेरे सोशल नेटवर्किंग हैंडल्स पे। आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में और बहुत ही इजी और सिंपल सा ये DIY लेकर आई हूं मैं आपके लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस DIY को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो ले रही हूँ आइटम वो है बॉक्स। ये बिल्कुल वेस्ट वाला बॉक्स है यानी कि जिसमें मेरे पालक आई थी। वैसे अंगूर वगैरह भी जब आते हैं तो ऐसे ही बॉक्सेस में आते हैं, तो वो वाला जो एक वाला इसका पोर्शन है जो मैं आपको पॉइंट करके बता रही हूँ वो मैं यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले ऐसा प्लास्टिक का कोई बॉक्स है, अगर आपके पास कोई शीट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास शीट नहीं थी, मार्केट जाने का टाइम बिल्कुल नहीं था, तो मैं यही वाला बॉक्स यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं कट कर लूँगी। एक पोर्शन में आप देख सकते हैं इसमें छेद है, तो वो छेद बड़े हैं तो हमें वो यूज़ नहीं करना। जो प्लेन वाला एरिया होता है ना, देखिए जो ये प्लेन वाला एरिया है वो मैं इसमें अच्छे से कट कर लूंगी और जो कैंडल के अंदर जो हम बाती लगाएंगे ना वो इसी से लगाएंगे, इसी से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं जो प्लेन एरिया है उसको कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम इसमें आगे कैसे बनाएंगे। मैंने यहाँ पे 4-5 तरीके की कैंडल्स बनाई है, सब में अलग अलग डेकोरेटिव आइटम डाले हैं। तो सबसे पहला काम है कि बाती बना के रेडी करना जो कि इसका मेन हाईलाइट है। तो उसके लिए मैंने ये प्लेन वाला पोर्शन जिसमें कोई भी छेद नहीं है वो मैंने सिंपली कट कर लिया है कैंची की मदद से और आप देख सकते हैं कि ये कट हो गया है और ये जो ऑर्गेनिक स्पिनच ऐसा लिखा हुआ है तो इसको मैं अच्छे से रब कर लेती हूँ। रब कैसे करूँगी, मैं इसको छील लेती हूँ जो इसका स्टिकर लगा हुआ है ना, बट जब मैंने इस पर बहुत ज़्यादा जोर लगाया तो वो स्टिकर जो है वो अच्छे से निकला नहीं है, वो फट गया है। तो आप क्या करें, पानी के नीचे इसको अच्छे से धो लें, गम होती है फेविकॉल होती है वो निकल जाती है, देखिए निकल गई है, थोड़ा सा स्टिकी सा रहा है बट हमारा काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो अब मैं जो इसका साइड वाला पोर्शन है उसको कट करके उसको मैंने एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में काट लिया है। अब मैंने एक ट्रांसपेरेंट सा ग्लास बोल लिया है जिसमें मुझे DIY करना है, कैंडल बनानी है। तो ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो ये हमने काटा है जो प्लास्टिक शीट है वो इसके अकॉर्डिंग हम काटेंगे, यानी कि आप इसका देख लीजिए सर्कुलर फॉर्म कितना है। तो देखिए मैं उसको मेजर करके नीचे रख के और आसानी से ये कट जाता है। तो हमें पूरा नहीं करना, यानी कि जो हम रेक्टेंगुलर जो बाती बनाएंगे ना उसको रेक्टेंगल को पहले हम सर्कल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ऐसे देखिए, और बिल्कुल मीडियम साइज का होना चाहिए। ज़्यादा छोटे करोगे तो जो बाती है वो डूब जाएगी, ज़्यादा बड़ा करेंगे तो वो इतना सुंदर नहीं लगता। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल मीडियम सा जो ग्लास का जो डायामीटर है या कटोरी का डायामीटर है, आप ये देखिए मैंने कट किया है ना, तो बिल्कुल मीडियम सा आ रहा है, थोड़ा सा स्पेस लिक्विड का भी आएगा और थोड़ा सा आपकी जो बाती है वो दिखेगी। तो मैं इसको ऐसे फोल्ड कर लेती हूँ और बाती को इंसर्ट करने के लिए मैं बीच में ऐसे कट कर लेती हूँ। ये देखिए मैं इसको कट कर रही हूँ और हमें जो बाती डालनी है वो हम इसके सेंटर से डालेंगे। तो ये आप देखिए प्लास्टिक ईजिली निकल जाती है, बहुत ही पतला सा तो होता है तो ईजिली कट हो जाता है, और नीचे से हम इसमें क्या करेंगे, बाती डाल लेंगे। तो एक मैंने इसका जो कटोरी है उसके हिसाब से बना के रेडी कर लिया है और एक और मैंने बनाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये छोटा वाला ग्लास है तो मैंने ऐसा छोटा सा इसके अकॉर्डिंग साइज के अकॉर्डिंग बना लिया। ऐसे ही आपको जितने बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने 5 बनाने हैं। तो ये मैंने पहला बड़ा ग्लास है जिसमें मैं मोती की डेकोरेशन करूंगी, दूसरे में मैं चॉकलेट से डेकोरेशन करूंगी। ये देखिए चॉकलेट का जो रैपर होता है ना ये गोल्डन कलर का है, तो जब हम दिवाली पे मिठाई लाते हैं तो चॉकलेट्स तो आती हैं, तो ये वाला जो रैपर है बहुत ही डेकोरेटिव सा लगता है, बिल्कुल वेस्ट आइटम होता है, तो हम इसका यूज़ करेंगे और इस ग्लास के अंदर डाल के बहुत ही सुंदर लगेगा क्योंकि जब लाइट जलेगी तो ये शाइन करेगा। थर्ड जो मैं ले रही हूँ ये मैंने क्रैनबेरीज ली है, ये थोड़ी लाइट वेट होती है तो ये ऊपर फ्लोट करेगी। अगर आपको चेंज करना है तो आप इसकी जगह पेबल्स यानी कि पत्थर भी ले सकते हैं। और लास्ट में मैंने एक लॉन्ग वाला ग्लास लिया है, कुछ सेंटेड कैंडल्स लिए हैं और कुछ फ्लावर
फ्लावर्स लिए हैं जिससे मैं इसका डेकोरेशन करूंगी। तो चलिए फिर ये इजी सी सिंपल सी डीआईवाई की डेकोरेशन भी करते हैं। और हाँ, रेड फूड कलर, अगर आपको कलरफुल पानी चाहिए तो आपको ऐसा भी फूड कलर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो बड़ा वाला कैंडल है वो बनाना है, उसके लिए मैंने ये वाला ऐसा जो ग्लास है वो ले लिया है जो आपके मोइतो वगैरह में हम यूज करते हैं। तो उसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले एक फ्लावर रखा है, फ्लावर को रख के मैंने ग्लास को उल्टा करके मुझे इसमें रखना है। तो जो भी आपका ग्लास का जो साइज है उस अकॉर्डिंग आप फ्लावर्स रख दीजिए, या मैंने दो फ्लावर रखे और ग्लास को मैं उल्टा करके ऐसे रख दूंगी। तो देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा, और घर पे बनी हुई चीजों का हम यूज कर रहे हैं और भी अच्छा लगेगा। तो ऐसे मैंने एक फ्लावर रखा है, ये दूसरा फ्लावर, और ग्लास को मैंने उल्टा करके ऐसे रख दिया है। आपके पास कोई और ग्लास हो तो आप वो भी रख सकते हैं, बट ग्लास का जो लोअर पोर्शन है वो थोड़ा फ्लैट आना चाहिए ताकि हम कैंडल्स रख सकें। अब मेरे पास ये ग्लू स्टिक पड़ी है रेड कलर की, आपके पास जो भी कलर की ग्लू स्टिक हो, कुछ और डेकोरेटिव आइटम हो चारों तरफ लगाने के लिए, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो अब इस ग्लू स्टिक से मैं इसके चारों तरफ डेकोरेट करूंगी। कैसे करूंगी, पहले मैंने सोचा गोल्डन कलर लगाती हूँ, फिर मुझे लगा नहीं चलो थोड़ा रेड लगाया जाए। ये देखिए कितनी इजीली से ये निकल जाती है। ग्लू स्टिक होती है बहुत ही नॉमिनल प्राइस में मिलती है, अगर आपके पास स्पार्कल है तो वो भी आप चिपका सकते हैं, कोई स्टिकर सा है तो वो भी आप लगा सकते हैं, बट कोशिश कीजिए थोड़ा सा गोल्डन हो, थोड़ा रेड कलर हो, थोड़ा सा स्पार्कल सा हो, क्योंकि जब कैंडल जलती है ना तो वो जो स्पार्कल होता है वो चमकता है, तो दिवाली की फेस्टिवल की फीलिंग बहुत अच्छी आती है। दिवाली तो वैसे भी बहुत ही अच्छा फेस्टिवल होता है, मिठाइयाँ भी खाने को मिलती हैं। हाँ, मिठाइयों से याद आया, अगर आपको पेड़े की रेसिपी देखनी है या कोई और भी यमी यमी रेसिपीज़ और स्टार्टर रेसिपीज़, मेन कोर्स रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल की अदर वीडियोज़ भी देख सकते हैं। मैं बहुत ही यमी यमी सी रेसिपीज़ बनाती हूँ, डिश डालती हूँ, तो आप ये देख लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, प्रिश किचन मेरा हैंडल है, तो मैं वहाँ भी अपनी लाइफ की स्टोरीज़ डालती रहती हूँ, कहीं घूमने जाती हूँ वहाँ की भी डालती हूँ, कुछ खाती पीती हूँ वो भी डालती हूँ, तो आप उसमें भी मेरे को जरूर फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम हैंडल है प्रिश किचन, जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा होगा। और अगर आप ये जब भी ट्राई करें तो मुझे पिक जरूर भेजना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे व्यूअर्स मुझे फोटो भेजते हैं किसी रेसिपीज की जो मैंने ट्राई किए। तो चलिए ग्लास हो गए हैं डेकोरेट, अब मैं डालती हूँ यहाँ पे सेंटेड कैंडल, या मैंने जैस्मिन फ्लावर की जो सेंटेड कैंडल होती है ना वो डाली है। तो ये स्टार्ट, ये रेडी हो गया है, नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट हमने लिया एक ग्लास बोल जिसमें मैं डाल रही हूँ कुछ पेबल्स यानी कि पत्थर, आप इसकी जगह कुछ और भी डाल सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, मोती डाल सकते हैं कुछ भी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, क्योंकि पानी में ही तो फ्लोट करनी है, फ्लोटिंग कैंडल्स है। तो अब मैं इसमें डालूंगी हमारा ऑयल, यहाँ पे मैं ले रही हूँ सरसों का तेल, तो बस इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों का तेल जब फ्लोट हो जाएगा, ऊपर अच्छे से आ जाएगा, तब हम डालेंगे इसमें हमारी बाती। तो ये देखिए जो सरसों का तेल है वो आपस में मर्ज हो गया है, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है ना, वैसे ही बड़ा सुंदर सा लग रहा है, देखो येलो येलो सा ऊपर सा कलर आ रहा है। अब ये जो मैंने प्लास्टिक का शीट काटा था ना गोल गोल, इसमें मैं ऐसे बाती इंसर्ट कर लेती हूँ और ये बहुत ईजिली हो जाएगी। देखिए कितनी इजीली बाती इसमें आ गई है। तो बस अब हम ये जो हमारा बाती बन गया है, स्टैंड बन गया है, तो बस अब इसमें हम ये फ्लोट करने के लिए रख देते हैं और ये जो तेल है वो बाती में अच्छे से आ जाएगा। तो देखिए ये फ्लोट होने लग गई है, तो ये हो गई है रेडी। तो अब हम बनाएंगे हमारी थर्ड कैंडल, जो कि हम बनाएंगे एक छोटे से प्यारे से ग्लास के अंदर। तो ये मैंने छोटा सा ग्लास लिया है। अब मैं आपको बता रही थी ना चॉकलेट आई है घर में, तो बस इसका जो रैपर है वो मैं फाड़ लेती हूँ और छोटा छोटा करके जो रैपर है मैं इसको इसमें अंदर इंसर्ट कर दूंगी। देखिए ऐसे गोल गोल करके मैं इसमें इसको इंसर्ट कर रही हूँ। इसकी जगह आपके घर में जो भी प्लास्टिक की कोई भी डेकोरेटिव सी गोल्डन गोल्डन सी शीट हो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं गोल गोल करके, बट ये हल्की है तो ये फ्लोट होएगी ऊपर, तो साइड में भी थोड़ा सा ग्लिटर सा आएगा, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। और ये जो चॉकलेट है, अब इसका तो क्या, इसको फेंकना तो है नहीं, तो भाई मैं खा लेती हूँ इसको मैंने ये खा ली है, और ये जो रैपर है वो मैं इसमें अच्छे से डाल देती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसमें पुट कर दिया है, बट रैपर थोड़ा खुल जाएगा। तो अब जैसे मैंने पानी डाला है तो ये क्या हो रही है, ऊपर से फ्लोट हो रही है, तो हमें नीचे भी कुछ थोड़ा डेकोरेशन करना है। तो डेकोरेशन के लिए मैं क्या करूँगी, एक और चॉकलेट खाऊंगी यानी कि एक और चॉकलेट मैं इसमें ले लेती हूँ, और जो इसका जो रैपर आएगा ना उसमें मैं क्या कर रही हूँ, जो पत्थर जो पेबल थे छोटे छोटे से, कहीं पे भी आपके घर के बाहर कहीं भी पड़े होंगे, तो बस ये पत्थर को मैं इसमें रैपर में अच्छे से फोल्ड कर लेती हूँ ताकि पत्थर भारी होने के कारण नीचे आ जाएगा। तो आप देखिए नीचे भी गोल्डन गोल्डन सा आ गया है, आ गया ना, तो ये बहुत सुंदर लगती है।
ऐसा लगता है कि वेस्ट चीज़ है, बट कई बार जो हमारी वेस्ट चीज़ें होती है ना वो भी डेकोरेशन के काम आ जाती है। तो ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है कुछ प्लांट का, कुछ ऐसे ब्राउन सा कुछ जड़ सी आई हुई है। तो अब मैं पत्थर को इस रैपर में रैप करके ये भी बना लेती हूँ, तो बहुत ही इजीली बन जाती है ये, बहुत ही अच्छी और सुंदर लगती है। भाई रैपर तो वेस्ट आइटम है, उसका ही तो हम यूज़ कर रहे हैं, तो मार्केट से तो कुछ लाना नहीं है, आई हुई चॉकलेट का ही यूज़ करना है। तो ऐसे ही मैंने देखिए पत्थर डाल डाल के इसमें मैंने चार पांच नीचे कर दिए हैं, यानी कि पेबल्स जो है वो नीचे आ गए हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है ब्लू कलर का ग्लिटर ग्लू, जैसे मैंने वहाँ पे लिया था रेड कलर का, ऐसे ही यहाँ पे मैंने ब्लू लिया है। आपके पास जो भी हो वो ले सकते हैं। तो बस मैंने ये ब्लू लिया है और अब मैं इसको साइड से ऐसे दबाएंगे तो क्या होगा, वो डेकोरेटिव सी निकलेगी। ये देखिए निकल गई ना, तो बस चारों ओर से बस इसको ऐसे लगा देना है। बहुत ही सिंपल सा और इजी सा है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है इसमें, बस जो ग्लू है उसको साइड से बस ऐसे चिपका देना है, बहुत ही ईजी सा। तो क्या थोड़ा सा ब्लू गोल्डन सिल्वर अच्छा लगता है, जब कलरफुल सा हम बनाते हैं ना तो घर में भी अच्छा सा लगता है, एक रौनक आती है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमारा मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, तो मैं इसमें डाल देती हूँ तो ये बहुत ही सुंदर सी लगने लग गई है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमारी बाती जो मैंने बना के रखी थी, तो बाती भी इस पर फ्लोट करेगी, तो ये वाली जो कैंडल है वो हमारी बन के रेडी हो गई है। तो चलिए फिर नेक्स्ट कैंडल बनाते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ग्लास लिया है, और ग्लास जो मैंने लिया है वो किसी भी साइज़ का आप ले सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ मोतियों की माला, आपके पास जो भी कलर की माला हो वो डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, आप चाहें तो इसमें फूड कलर ऐड करके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, पानी का मैंने नहीं चेंज किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमारी ऑयल यानी कि जो सरसों का तेल है वो मैं इसमें डालूंगी ताकि वो फ्लोट करेगी। तो बस ये सरसों का तेल मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम डालेंगे हमारी बाती जो हमने बना के रखी है, वो अच्छे से इस पर फ्लोट होएगी। तो देखिए तेल भी अपना सेटल डाउन हो रहा है, गोल्डन गोल्डन सा, बहुत सुंदर लग रहा है। तो बस जैसे ही ये तेल सेटल होगा अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमारी बाती जो हमने बना के रखी है। बाती का साइज आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो बस देखिए ये जल्दी जल्दी से मैंने ये बाती बना के रेडी करी है, और ये जो बाती है वो मैं इसमें इंसर्ट कर देती हूँ सेंटर में, तो ये वाली कैंडल भी हमारी रेडी हो गई है। तो चलिए फिर हमने जो जितनी भी कैंडल्स बना के रखी हैं सबको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है, तो उसको अब लाइट अप करते हैं। तो उसके लिए मैंने अपनी जो हमने बना के रखी है वो सारी की सारी कैंडल्स को ऐसे सजा दिया है, थोड़ी सी लाइटनिंग करी है, थोड़ा सा रेड कलर का कपड़ा रखा है ताकि अच्छा लगे। तो चलिए फिर लाइट अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हैप्पी दिवाली वंस अगेन, हैव अ सेफ दिवाली, अपना खूब ध्यान रखिएगा, खूब मिठाइयाँ खाइएगा, और जब भी मिठाई खाएं तो प्रिश किचन को ज़रूर याद कीजिएगा, मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।